बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डेसिमल पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय रियल मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 6 चूज किया है, जो मैं आपको यहां पे सॉल्व कराऊंगा और बाकी आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे खुद से प्रैक्टिस करनी है और इसके क्वेश्चन भी करने हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल्स जो हैं डेसिमल पॉइंट के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए, ये आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेने हैं। और वो रूल कौन-कौन से हैं, जब डेसिमल पॉइंट का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड, सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे भी डिजिट्स होंगे और राइट साइड पे भी डिजिट्स होंगे। लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स होंगे उनके पेयर्स हमने बनाने हैं, जिस तरह डिवीजन मेथड में पीछे हमने पेयर्स बनाए थे उसी तरह हमने पेयर्स बनाने हैं। और वो पेयर्स किस तरह होंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाने हैं हमने डेसिमल पॉइंट से पहले या लेफ्ट साइड पे। और जो राइट साइड पे होंगे उनके हमने जो पेयर बनाने हैं जिनको हमने एरोस के साथ डिनोट भी करना है, जाहिर भी करना है, वो होंगे लेफ्ट टू राइट। और डेसिमल पॉइंट से पहले जो होगा वो राइट टू लेफ्ट। अब क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो है वो जीरो है, हम यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, जीरो यहां पे लगा लेंगे। अब ये पेयर हम मिलाएंगे और पेयर के करीब करीब कोई हम देखेंगे परफेक्ट स्केयर है या इसके पूरा पूरा जो डिवाइड हो सके वो स्केयर है। तो 5 5 का अगर करें तो ये 25 होता है, और 6 6 का करें तो ये 36 होता है। 32 है तो इससे कम 25 होगा, 5 5 टाइम्स का। अब यहां पे लिख देंगे 25, और अगर 32 में से माइनस किया जाए 25 को तो 7 रिमाइंडर आता है। इसके बाद नेक्स्ट पेयर जो होगा इसको हम इसके साथ मिलाएंगे। ये जो ऊपर वैल्यू है इसका हमेशा हम डबल लेते हैं, डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा। अब हमने इस 10 के साथ एक ऐसा डिजिट मिलाना है जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इस पे पूरा पूरा वो डिवाइड हो सके या इससे कम हो, इससे ज्यादा ना हो। तो 1 और 0 अगर इसके साथ 7 मिलाए तो 7 7 का होता है 49, 4 कैरी होगा, 7 0 का 0 0 में 4 ऐड करें तो 4, 7 1 का 7। तो अगर 7 मिलाया जाए 10 के साथ तो ये ऐसा डिजिट है जो 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देता है और यहां पे आएगा रिमाइंडर हो गया इसका 0। अब हमने डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड किया है कौन से मेथड के साथ, डिवीजन मेथड के साथ। और ये क्या आया है आंसर, आंसर ये ऊपर वाला होगा 0.57, ये इसका होगा आंसर। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे पार्ट नंबर 6 का, और पार्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन फाइंड करते हुए सबसे पहले जो मैंने चीज बताई थी कि हाँ आपने नंबर जब लिखना है आपके पास दो तरह के डिजिट्स होंगे, डेसिमल पॉइंट से पहले यानी कि लेफ्ट साइड में डिजिट्स होंगे और डेसिमल पॉइंट में राइट साइड में डिजिट्स होंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स हैं इनके आपने पेयर्स बनाने हैं, और पेयर किस तरह से बनाने हैं, राइट टू लेफ्ट। ये इसका राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। ये पेयर बन गया, इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ये पेयर बन गया, इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे।
और डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं राइट साइड पे उनके हम पेयर बनाते हैं राइट लेफ्ट टू राइट। अब इसको डिवीजन मेथड से हम करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट एरो लेफ्ट साइड पे आ रही है एरो वाले निशान, इसके नीचे जो पेयर है इसके करीब करीब स्केयर कौन सा आ रहा है, तो इसके करीब करीब 5 5 25 का स्केयर आ रहा है। 9 में से 5 माइनस किए 4 और 2 में से 2 माइनस किए 0। नेक्स्ट पेयर इसके साथ मिला लेंगे, अब 5 का डबल करेंगे ये हो जाएगा 10। अब इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 10 10 था 4 मिलाएंगे तो 4 4 जार हो जाएगा 16 4 0 जार 0 0 प्लस 1 1 4 1 जार 4 तो ये बन जाएगा 4 16। और ये वाला जो डिजिट हमने 10 के साथ मिलाया 4, इसको हम ऊपर लिखेंगे 4। अब इसको माइनस करें 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, क्योंकि हमने इधर से कैरी लिया इधर इधर 7 बचे 7 में से 1 बाकी 6 65 रिमाइंडर होगा। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इसका हमने कर दिया डबल, 4 का डबल पहले करेंगे वो होगा 8 और 5 का डबल करेंगे ये होगा 10। नेक्स्ट जो पेयर है इसको हम मिलाएंगे और ये ध्यान रखना है कि ये पेयर जो नेक्स्ट है ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, इसलिए ऊपर हम डेसिमल पॉइंट बी लगाएंगे। जब डेसिमल पॉइंट के बाद वाला आपने कोई भी पेयर लेना है तो ऊपर आपने डेसिमल पॉइंट जरूर लगा देंगे। अब 108 नंबर है, इसके साथ हमने एक ऐसा डिजिट मिलाना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो सके। अब 108 इसके साथ अगर मैं 6 मिला दूं, क्योंकि यहां पे 6 आ रहा है 6 6 आ रहा है 36 होगा 3 कैरी होगा 6 8 आ रहा 48 48 में 3 ऐड करेंगे तो ये 51 होगा 5 कैरी होगा 6 0 आ 06 0 प्लस 5 5 होगा और 6 1 आ 6 तो ये 6516 ये पूरा आ गया। किस से आया 6 से, हम 6 इधर भी लगा देंगे ऊपर भी लगा देंगे और मल्टीप्लाई करने से जो आया है वो इधर लिखेंगे माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब इसको अगर हमने स्केयर रूट फाइंड करना था 2981.16 का, जब हमने इसका स्केयर रूट फाइंड किया तो आंसर क्या आया 54.6। प्यारे बच्चों ये था डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चंस का बाय डिवीजन मेथड से स्केयर रूट फाइंड करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखा होगा और इसमें जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और आपका आज का काम क्या होगा, आपने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग ऑल पार्ट्स आपने करने हैं। और अगर कोई भी मसला हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो वो आपने लाजमी शेयर करना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला हम सब का हामिल नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ के मालूम।